हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ग्रामर, यानी कि आज जो क्लास है उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन, हर टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। आप किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें बस इंग्लिश आती हो, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और स्पेशली इस समय इंपॉर्टेंट होगी जो भी हमारे साथी मध्य प्रदेश MP टेट 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इस क्लास को आप पूरा देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिए क्लास आपको कैसी लगी, और यदि अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, वीडियो को करना है लाइक और हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब। और यदि लेटेस्ट वीडियो चाहिए या लेटेस्ट जो क्लासेस चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा जिससे कोई भी वीडियो यदि अपलोड होती है तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सेंटेंस है यहाँ पर हमारा, वो है वेयर वाज सी बॉर्न। यहाँ पे जो हाइलाइटेड वर्ड है बॉर्न, आपको बताना है कि ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। तो दोस्तों देखिए, ये जो बॉर्न है, आप भी कमेंट करते जाइए साथ में, और लास्ट में आप अपना स्कोर देखना है। 20 सेंटेंसेज हैं यहाँ पर आज, इनमें आपका स्कोर कितना हुआ है। ओके, तो वेयर वाज सी बॉर्न, तो यहाँ पर जो बॉर्न है वो है दोस्तों आपका बर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। और एक बात और बता दूं कि बॉर्न वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में ही प्रयोग की जाती है, एक्टिव वॉइस में बॉर्न वर्ब यूज नहीं करना है। सेकंड सेंटेंस है, ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स गुड विजन, यानी यदि आप ड्राइविंग करना चाहते हैं इसके लिए आपका अच्छा विजन होनी चाहिए, यानी आपकी अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हाईलाइट वर्ड है ड्राइविंग, आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये नाउन है, जीरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है। तो दोस्तों देखिए, जब भी वर्ब में ING और वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखी हो तो वो आपका होता है जीरंड, और जीरंड भी एक तरह से नाउन का ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो है आपका जीरंड, तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाएगा आपका सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस यहाँ पर, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग योर फ्रेंड। आपको बताना है कि मीटिंग क्या है, यहाँ पर नाउन, जीरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो दोस्तों, वर्ब में जब भी फॉर्म लगी होती है और वो किसी एक्शन को बताती है, और यहाँ पर आपकी लुक फॉरवर्ड टू, ये पूरी आपकी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है होप, याद रखिए, लुक फॉरवर्ड टू मीन्स होता है होप। तो लुक आपकी एक वर्ब है, इसके बाद ये लिखी हुई आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब में ये है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड है, डैश विजडम इज बेटर देन रिचेस। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या करेक्ट हो रहा, ए एन द या नो आर्टिकल। तो हम सबसे पहले देखिए, तो ये हमारी है दोस्तों डिग्री, कंपरेटिव डिग्री है, और कंपरेटिव डिग्री में क्या होता है कि नहीं, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच कंपेरिजन किया जाता है। अब यहाँ पर आप जब इस नाउन को देखेंगे रिचेस्ट को, तो यहाँ पर देखिए कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, तो विजडम भी आपका कैसा नाउन है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप गिन नहीं सकते, तो an द आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप इससे देख करके भी यहाँ अनुमान लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ an तो यूज हो ही नहीं सकता, कैसे पहचाने, जिस नाउन के अंत में DOM लगा हो, HOOD लगा हो, MENT लगा हो, SION हो, TION हो, ये सारे के सारे सफेक्स हैं जो बताते हैं कि वो नाउन, वो वर्ड हमारा नाउन है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेंगी। चलिए, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, डैश लंच वी हैड एट द रेस्टोरेंट वाज वेरी गुड, यानी लंच जो हमने रेस्टोरेंट में लिया बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर बताना है कि लंच से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर ये पढ़ा होगा कि जितने भी फूड हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना, यानी फूड, डिनर, लंच, सफ़र, इनसे पहले आप आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है, ना an आता है ना ही दा का यूज होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीनों तरह के आर्टिकल, यानी an भी यूज हो सकता है, दा भी यूज हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, याद रखिए, फूड से पहले, कंडीशन समझ लीजिए पहले। और दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर मैं
सेंटेंसेज के साथ साथ हर सेंटेंस में आपको जो ग्रामर यूज हो रही है वो रूल्स साथ में बताता हूँ। इससे आपकी ग्रामर के रूल्स और एक्सरसाइज दोनों एक साथ चलती हैं, इसलिए ये क्लास आपको बहुत ही पसंद भी आएगी और हेल्पफुल भी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जिस लंच की बात हो रही है वो एक पर्टिकुलर लंच की बात हो रही, जो हमने रेस्टोरेंट में खाया वो अच्छा था। यहाँ पर हम नॉर्मल फूड की बात नहीं कर रहे हैं जो हम घर पर खाते हैं। तो यानी कि ये एक पर्टिकुलर लंच है, जब कोई चीज़ पर्टिकुलर या डेफिनेट होती है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, यदि किसी मील से पहले यदि कोई एडजेक्टिव लगा हो, याद रखिए क्या लगा हो, एडजेक्टिव लगा हो, तो इससे पहले हमेशा ए एन आर्टिकल का यूज किया जाता है, ये भी याद आप कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सिक्स। सेंटेंस नंबर सिक्स है डैश स्पाइडर्स हैव एट लेग्स। आर्टिकल फिल करना है इससे पहले, तो यहाँ पर आपको ए एन द आर्टिकल में फिल करना है। हम देखते हैं कि स्पाइडर्स, स्पाइडर की एट लेग्स होते हैं, ये है। यानी कि यहाँ बात हो रही है जनरल, और जब भी जनरल सेंस में कोई नाउन यूज होता है, किस सेंस में, जनरल सेंस में कोई नाउन यूज होता है, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सेवन। डैश हायर यू क्लाइम डैश कूलर इट गेट्स। दोस्तों, कंपेरेटिव डिग्री के साथ साथ जब इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंस लिखे होते हैं तो हमेशा आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा द, हायर यू क्लाइम द कूलर इट गेट्स, एंड जितना ज़्यादा आप ऊपर चढ़ते हैं उतना ज़्यादा ठंडा होता जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर एट। आई रियलाइज दैट वी डैश बिफोर। ओके, यहाँ पर यूज करना है आपको मेट, हैड मेट, हैव मेट या विल मीट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट टेंस, तो स्वाभाविक है ये भी आपका पास्ट टेंस ही बनाया जाएगा। आप प्रेजेंट हटा देते हैं, फ्यूचर हटा देते हैं, ठीक है। मैंने महसूस किया कि हम पहले कहीं मिले हैं, यानी कि ये काम पहले हुआ है फिर ये काम हुआ है। जो काम पहले हुआ है वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा मैट, हैड मैट। आई रियलाइज दैट वी हैड मैट बिफोर। ओके, तो राइट ऑप्शन इज सेकेंड, हैड मैट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर नाइन। सेंटेंस नंबर नाइन में है ही क्वेरल्ड डैश मी डैश ट्रिपल। तो याद कर लीजिए, क्वेरल विथ समबडी होता है, यानी ऑप्शन ना मिले तब भी आपको आना चाहिए। क्वेरल विथ समबडी ऑन ए ट्रिपल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, ओवर ए ट्रिपल, यानी किसी बात पर झगड़ा करना। ही क्वेरल्ड विथ मी ओवर ए ट्रिपल, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर टेन। एंड सेंटेंस नंबर टेन में है इफ़ आई हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी आई डैश लॉ। ये आपके कंडीशनल क्लॉज लिखे हुए हैं, याद रखें किस तरह के क्लॉज हैं, कंडीशनल क्लॉज हैं। ओके, कंडीशनल क्लॉज क्या होते हैं, ये सेंटेंस आपके इफ से स्टार्ट होते हैं, और मैंने पिछली कई सारी क्लासेस में इफ के रूल्स बताए हैं, यानी तीन पॉइंट मिलते हैं आपको। यहाँ पर क्या है, इफ के बाद सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, यानी कि इफ़ वाला क्लॉज यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में हो रहा तो ये सेंटेंस हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाएगा आपका सेकेंड। आप भी कमेंट करके बताते जाइए कि क्या क्या आंसर इसके होंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि यदि मैं धीरे या फिर स्लो बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी, सेकंड। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 11। एंड सेंटेंस नंबर 11 इज ही वाज फाउंड गिल्टी डैश मर्डर। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमें यूज करना है प्रपोजिशन, एंड प्रपोजिशन ऑप्शन है हमारे पास इन, ऑफ, फॉर एंड एट। तो याद कर लीजिए, आपके गिल्टी ऑफ होता है, दैट मीन्स गिल्टी इज ऑलवेज फॉलोड बाई ऑफ प्रपोजिशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, ऑफ, दैट मीन्स यहाँ पर हो रहा आपका ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12। एंड सेंटेंस नंबर 12 में है इट डैश सिंस लास्ट सैटरडे। एंड यूज करना है आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ब फॉर्म हैज बीन रनिंग, हैज रन, इज रनिंग, हैड बीन रनिंग। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। इधर बता देता हूँ कि जब भी सेंटेंस में लास्ट
लास्ट, जब भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये लिखा है ना लास्ट सैटरडे, तो लास्ट सैटरडे क्या बताता है आपको, ये बताता है डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले वो हमेशा यूज किया जाता है सिंस। लेकिन कई बार सेंटेंस में आपको किस तरह से मिलता है, जैसे हम मैं कहूँ लास्ट वीक, तो लास्ट वीक से पहले आपको लगाना है सिंस प्रपोजिशन, ठीक है। और यदि मैं ये कहूँ फॉर द लास्ट वीक, तो ये दो पॉइंट याद कर लीजिए, यदि लास्ट से पहले द लगा होगा तो फॉर प्रपोजिशन का यूज होगा, एंड लास्ट से पहले फॉर नहीं होगा तो सिंस प्रपोजिशन का प्रयोग करना है आपको। अब यहाँ पर देखते हैं सिंस और फॉर के बाद जब टाइम लिखा हो रहा तो सेंटेंस बनाया जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर हो रहा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट सैटरडे, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13, एंड यहाँ पर है टेक केयर डैश यू शुड फॉल, सावधानी रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो याद कर लीजिए कि जो कंजंक्शन है लीस्ट, लीस्ट मीन्स होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, और लीस्ट के बाद आपका जो सेंटेंस बनता है वो हमेशा शुड से बनाया जाता है। आप इस बात को और अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पर मॉडल वर्ब भरने के लिए दे दी जाए, यहाँ पर आज डैश होता है, यदि मान लीजिए यहाँ पर डैश होता और मॉडल वर्ब भरने के लिए दी जाती, यहाँ पर लगा होता लीस्ट, तो लीस्ट के बाद जो मॉडल वर्ब यूज होती है वो हमेशा शुड यूज की जाती है। इस बात को याद रखिए, बहुत कई बार इस तरह से एग्जाम्स में पूछे गए हैं सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14, एंड सेंटेंस नंबर 14 में है इफ यू डैश ही वुड हैव कम, ये भी आपका कंडीशनल क्लॉज लिखा हुआ है। ऑप्शन है हैड आस्ट, हैव आस्ट, आस्ट एंड वुड आस्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब भी सेंटेंस वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हो तो ये सेंटेंस बनाया जाता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, इफ यू हैड आस्ट ही वुड हैव कम, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15, एंड सेंटेंस नंबर 15 इज, दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप पहली बार हमारे यहाँ इस क्लास को देख रहे हैं तो, और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15, एंड यहाँ पर है इफ यू डैश देन दे वुड कम। तो यहाँ पर मैं आपको ये रूल बता दूँ कि यदि इफ वाला सेंटेंस आपका लिखा हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो दूसरा सेंटेंस बनाया जाता है आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये स्ट्रक्चर याद कर लिए, दो स्ट्रक्चर हो गया ना, एक और अभी आज आपको मिल जाएगा। एक तो हो गया जब इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो वुड हैव का यूज किया जाता है, यदि इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो हम यहाँ से पहचानेंगे कि वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेंटेंस बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ यू इन्वाइटेड दम दे वुड कम, ओके। नेक्स्ट है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 16, एंड सेंटेंस नंबर 16 इज माई कार डैश ऑन द फ्रीवे। यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है, ब्रेक अप, ब्रोक अप, ब्रोक डाउन एंड ब्रेक इन। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ब है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मीन्स होता है किसी मशीन का खराब हो जाना, याद कर लीजिए, जब भी कोई मशीन खराब होती है तो वो ब्रेक डाउन होती है, ओके। तो यहाँ भी जो कार है वो ब्रेक डाउन होती है, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा थर्ड वन, और यहाँ पर यूज किया जाएगा ब्रोक डाउन, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 17, एंड सेंटेंस नंबर 17 इज व्हाट इज इट डैश ट्रेवल्स यू सो मच। दोस्तों ये क्लॉज लिखा हुआ है आपका, एंड क्लॉज में है ये आपका रिलेटिव क्लॉज, जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें यूज करना है क्या यूज किया जाएगा, व्हाट इज इट, ये क्या है जो तुम्हें बहुत ट्रबल करता है। दोस्तों जब भी कोई प्रिंसिपल क्लॉज आपका इट इज से लिखा हो, याद कर लें इट इज, तो उसका जो कंजंक्शन रिलेटिव क्लॉज का बनता है वो हमेशा बनाया जाता है दैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए, यहाँ पर आपको विच का यूज नहीं करना है, चाहे पर्सन हो या थिंग हो, दैट का ही इस कंडीशन में यूज किया जाएगा जब सेंटेंस आपका इट इज से स्टार्ट होता है, या सुपरलेटिव से स्टार्ट होता है, या रादर हो आपका प्रिंसिपल क्लॉज में, तो हमेशा दैट लगाना चाहिए, पर्सन हो या थिंग हो। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर आपका 18, एंड 18 नंबर का सेंटेंस है सोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स दैट बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द जर्नी।
ओके, यहाँ पर यूज करना है वर, वाच, हैव बीन एंड हैज। तो सोहन के साथ साथ उसके दोस्त भी जर्नी में इंजर्ड हो रहे हैं। तो दोस्तों रूल है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़े हों, याद कर लें, तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। यानी यहाँ पर जो वर्ब यूज की जाएगी वो सोहन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। एंड यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा फिर आपका पैसिव वॉइस है ये वॉच। सोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉच बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द जर्नी, क्योंकि हम यहाँ पर सोहन को एम्फसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई थिंक सी डैश ए लेटर एट द मोमेंट। आई थिंक आपका प्रेजेंट है तो ये भी सेंटेंस किसमें बनेगा, प्रेजेंट में ही बनेगा। अब यहाँ पर एक टाइम एक्सप्रेशन दिया है एट द मोमेंट, दैट मीन्स एट द मोमेंट क्या शो करता है, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एंड ऐसे कार्य जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहे होते हैं उन्हें हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड वन। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा इज राइटिंग, यानी आई थिंक सी इज राइटिंग ए लेटर एट द मोमेंट, द राइट ऑप्शन इज सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है एंड लास्ट है इस क्लास का द हाउस डैश ऑफ थ्री रूम्स। ऑप्शन यूज करना है यहाँ पर इज कंसिस्टिंग, कंसिस्ट, कंसिस्ट से एंड हैज कंसिस्टेड। तो दोस्तों ये जो वर्ब है कंसिस्ट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, दैट मीन्स ये वर्ब सामान्य तरीके से आप कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते, और कंसिस्ट वर्ब आपको यूज करना होगा फिर प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हो जाएगा सेकंड, कंसिस्ट होगा क्योंकि हमारा जो हाउस सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपको सेकंड यूज करना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना है, यानी कि नीचे आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक बिल्कुल कर देना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी इसे कर लेना, ठीक है। और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बताइए हमें, आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वो क्लास जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।